लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खबर, आज की ताजा खबर, शहर के सबसे बड़े रईस ठाकुर शमशेर सिंह का पर्दाफाश। आज की ताजा खबर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते जी। मैं बोलियो, ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, हमारे खिलाफ ऊटपटांग लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनो, हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लोगे ना तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। दोस्ती शरीफों से की जाती है बरखुरदार, बदमाशों से नहीं। मैं बोलियो भाया, इन बातों में कुछ नहीं रखा, मतलब की बात कर और मतलब की बात सुन। और मतलब की बात यह है कि हमारे खिलाफ कलम चलानी बंद कर दे, कहीं हमारी कलम चढ़ गई तो तेरी। जो कहना था कह चुके, अब आप जा सकते। और जाते जाते एक बात हमारी भी सुनते जाइए, अपने आप को सुधार लीजिए, यही आपके हक में अच्छा होगा। अरे अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। शट अप, गेट आउट, मत बोलना आगे। मेरा नाम शमशेर सिंह है। अरे डॉली बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं डैडी, हम आपका वेट कर रहे थे। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई, रात हो गई है, चलो जाओ सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। पार्वती, ओ पार्वती, पार्वती जानती हो आज ऑफिस में शांति का फोन आया था, वो कल आने वाली है। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? आज आपके ऑफिस में कौन आया था? अच्छा अच्छा, तुम उस शमशेर सिंह की बात कर रही हो। पार्वती, वो इस शहर का सबसे बड़ा बदमाश आदमी है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि अभी अभी उनका फोन आया था आपको समझाने के लिए कि अगर आपने उनके साथ अदावत की तो। हम ये सब सुन चुके हैं पार्वती, देखो तुम फिक्र मत करो, ऐसी धमकियां तो रोज सुनते हैं हम पेपर वाले। हमारी कलम की ताकत के सामने बड़े से बड़े एटम बम की ताकत भी कुछ नहीं होती। शर्मा जी, हमें आप पे नाज है, जिस दिलेरी के साथ आप इन गलत आदमियों का पर्दाफाश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी एक इल्तजा है आपसे भी और इस देश की सरकार से भी, कि जिस तरह से हम लोग इतनी मेहनत से अपनी जान जोखिम में डालकर इन बेईमान लोगों को बेनकाब करते हैं, वैसे ही सरकार को भी चाहिए कि इनके खिलाफ ईमानदारी से तुरंत एक्शन ले, तभी तो हमारा लिखना सार्थक होगा, वरना हम लोगों की मेहनत तो जाया चली जाती है। सर आप चिंता मत कीजिए, जो चिंगारी आपने लगाई है वो एक दिन शोला बनके इन तमाम पापियों को भस्म कर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं शमशेर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो मिलना चाहिए। अखबारों में इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद आपको सबूत चाहिए? अखबार वालों का क्या है सर, उन्हें तो कुछ ना कुछ बुरा लिखने की आदत है। शमशेर सिंह की बुराइयां तो उन्होंने छाप दी हैं, लेकिन यह नहीं छापा कि शमशेर सिंह के बनाए हुए स्कूल चलते हैं, उनके बनाए हुए अस्पताल भी चलते हैं। कमिश्नर साहब, कांटों को अगर रेशम के कपड़े से ढक दिया जाए तो वो फूल नहीं बन जाते, कांटे कांटे ही रहते हैं। शमशेर सिंह के प्रति आपको अपना नजरिया बदल लेना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। यस सर। आप जा सकते हैं। ओके सर। आप हमें डरा रहे हो कमिश्नर साहब? डराना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप अपना कारोबार बंद कर लें तो अच्छा रहेगा।
वाह, मैं बोल लूं, हम जो इतना रुपया पानी की तरह आप लोगों पर बांटते हैं वो इसलिए कि आप हमसे आकर बोल रहे कि हम अपना धंधा बंद कर दें। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर टीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर सिंह। इंसान ढाता है इंसान पे उच्चतम, इंसान इंसान से बेहतर लगता है। ये क्या बदतमीजी है, आप लोगों की जरूरत कैसी हुई अंदर आने की? खबर छापने का बड़ा शौक है ना शर्मा, अब तेरी मौत की खबर कौन छापेगा? तुम अभी बच्चे हो, हम तो मर के भी तुम्हारी मौत की खबर छापेंगे। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग, कौन है? तुम घबराओ मत पार्वती, अंदर जाओ। कुछ कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, भौंक लेने दो इन्हें, भौंक के चले जाएंगे। हम पर हाथ उठाने से पहले जाकर अपने भाई शमशेर सिंह से पूछ लो, वो तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। पापा को ये ले, छोड़ दिया। मार साले को, मार। गुड बाय मिस्टर एडिटर। हमें शर्मा जी की मौत का सख्त अफसोस है। ऐसे ही होता रहा सर तो जनता तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? हम अपनी जान खतरे में डालकर सच्चाई लिखते हैं, इसके बदले में हमें क्या मिलता है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो देखिए हम दिल्ली तक जाएंगे। शर्मा जी की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। आप लोग धीरज रखिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यह है हिंदुस्तान का मशहूर स्मगलर शमशेर सिंह। यह शमशेर सिंह का भाई तेज सिंह। यह इसका खास आदमी पिंटो है। और यह भी इसका खास आदमी है जिसका नाम सुधीर है। यह मैक है, दिखने में दुबला पतला है लेकिन दो नंबर का काम करने में माहिर है। ये लड़की चन्नो नाम है इसका, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसका नाम नहीं है। ये लड़की शमशेर सिंह के साथ देखी गई है। एसपी कुंदन सिंह, इन बदमाशों ने सारे राजस्थान में स्मगलिंग का जाल फैला रखा है और चीफ मिनिस्टर की खास हिदायत पर तुम्हें राजस्थान भेजा जा रहा है। एंड आई एम श्योर यू शैल डू द नीडफुल। जिस भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे हैं उसे पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमें फखर है तुम लोगों की वफादारी और ईमानदारी पर। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे देश के ऊपर राज करेंगे। यूं कहिए ठाकुर साहब की पूरी दुनिया में राज करेंगे। ठाकुर साहब, पूरे इलाके में दहशत है आपके नाम की।
अरे दहशत तब तक है जब तक हमारा राज है। यूं कहो कि गुंडा राज का दूसरा नाम ही दहशत है। क्यों इंस्पेक्टर सावंत और शन्नो? वर्दी तो तुम सरकार की पहनते हो लेकिन भाषा हमारी बोलते हो, क्यों ठाकुर साहब? सरकार से ज्यादा तनख्वाह जो दे रहे हैं ठाकुर साहब। सर जरा कमिश्नर से कह के मेरा प्रमोशन करवा दीजिए प्लीज, आपके कहने पे काम हो जाएगा, काफी दिनों से ड्यू है। कह देंगे कमिश्नर साहब हमारे पास आ जाने ही वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोल भाई। सर दिल्ली से नए एसपी साहब आए हैं, उन्होंने आपके लिए फूल और ये लेटर भेजा है। ए पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, जरा पढ़ तो क्या लिखा है नए एसपी साहब ने। श्री शमशेर सिंह जी, हम शहर के नए एसपी हैं, हम चाहते हैं आज की शाम आप लोगों के साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। उम्मीद है आप और आपके साथी हमारी दावत कबूल करेंगे। 7 बजे होटल अटलांटिक में हम आपका इंतजार करें। आपका अपना एसपी कुंदन। ये नया एसपी कहां से आ गया? कमिश्नर ने तो हमें बताया ही नहीं। बड़ा चलाक है बड़े भैया, आते ही अपनी रोटी पक्की कर रहा है। हमें भी आदत है इन्हें टुकड़े डालने की, इसे भी डाल देंगे। लेकिन एक बात है भाई, हमें इसकी ये अदा बहुत पसंद आई, हम सब जरूर जाएंगे। हेलो एसपी कुंदन साहब, आप ही हैं ना? जी। चीफ मिनिस्टर जी आपका इंतजार कर रहे हैं। लो। गुड आफ्टरनून सर। अरे कुंदन, अरे कैसे हो? अच्छा हूँ सर। अरे क्या सर सर लगा रखा है, आओ बैठो। थैंक यू सर। अरे फिर सर, आप चीफ मिनिस्टर हैं सर। एक कुंदन, चीफ मिनिस्टर मैं बाद में हूँ, पहले तेरा दोस्त हूँ। बता भाभी कैसी? बिल्कुल अच्छी है सर। अरे देख, इस बार तूने सर कहा तो मैं एक लगाऊंगा तुझे। अरे तुझे देखकर कॉलेज की कितनी यादें ताजा हो गई। यू आर ग्रेट सर। कुंदन, मैंने तुम्हारा तबादला इस शहर में खास तौर से इसलिए करवाया है क्योंकि हमारे यहाँ के चंद सियासतदान गुंडागर्दी करने लगे, अपनी पार्टी के ही लोग गुंडों को शह दे रहे हैं। इस बात का इल्म मुझे हो चुका है सर। देखो कुंदन, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शहर से गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। इसका इलाज शुरू हो चुका है सर। इस शहर के नामचीन गुंडे आज नबज दिखाने मेरे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, जुलाब दे दिया जाएगा। हमें आपके तोहफे का अंदाज बहुत पसंद आया एसपी साहब, इसीलिए हमने फौरन आपकी दावत कबूल कर ली। आपने बहुत ही अच्छा किया शमशेर सिंह जी, जो हमारी दावत कबूल कर ली। देखिए मेलजोल से ही मेल मिलाप बढ़ता है। आपको हमारे साथ रहना है, हमें आपके साथ रहना है, और यू समझिए कि हमारा आपका तो चोली दामन का साथ है। जब तक आप तब तक ये वर्दी है, मेडल है, तमगे हैं, वरना क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी काफी समझदार हैं आप। समझदारों के साथ रहना है तो फिर समझदार तो बनना ही पड़ता है जी। मैं बोल रहे हो एसपी साहब, आपने सबसे ज्यादा समझदारी की बात तो ये की कि आते ही आपने हमसे मुलाकात कर ली। हम वक्त जाया करने के तो आदी ही नहीं, और फिर क्या कि जिंदगी बड़ी छोटी सी है। इसमें जो कर लो सो अपना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो करे सो काम और जो भजे सो राम। खूब निभेगी हमारे दोनों की। हमें भी वक्त जाया करने की आदत नहीं है। कितनी आदत मिलती है हमारी और आपकी है। चीयर्स। एसपी बड़ा चालू लगता है, आते ही धंधे की बात शुरू कर दी। भैया को पटा रहा। क्या बात है भाई, एकदम चुप हो गए? चेस। ए मेरा छोटा भाई है एसपी साहब। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, तेजू नाम है ना इसका। आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे हम आपके सब साथियों को जानते हैं, सबकी कुंडलियां पढ़ ली हैं हमने। अरे क्या हमारी कुंडली में क्या लिखा है एसपी साहब? मौत। थैंक यू। क्या थर्रा पीते हो आज? दारू 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 दारू। मुझे तो एसपी साहब बहुत ऊंची चीज लगते हैं। एसपी साहब बहुत ग्रेट आदमी है, बोलता है दारू पियो दारू। तुमने दारू की बात तो सुनी लेकिन मौत की बात नहीं सुनी। तुम्हारी
देखो एसपी साहब बहुत समझदार आदमी हैं, उनके साथ कोई बकवास मत करना, समझे? शराब भी बड़ी जालिम चीज है। ये साली अंदर जाती है तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। मैं आपकी बात बखूबी समझता हूँ एसपी साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सच? बुरा तो नहीं मानेंगे, हम पुलिस वालों की आदत जरा खराब होती है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप लोगों की आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप दिल खोल के बात कीजिए। शमशेर सिंह यू आर ग्रेट। आए तो फिर जरा बात करते हैं दिल खोल कर। शमशेर सिंह जी, आप इस शहर के मोहसिस आदमी हैं, बड़े ताकतवर आदमी हैं, आपके पास मसल पावर है, कितने हट्टे कट्टे लड़के आपके पास काम कर रहे हैं, आप चाहें तो मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस शहर से ये स्मगलिंग, कत्लो गारत, चोरी चकारी, गुंडागर्दी सब खत्म हो जाए, तो इस कुंदन सिंह की वर्दी पर एक आत्मगा और लग सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी वर्दी तमगों से भर देंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने साथियों के साथ कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, जरूर कीजिएगा। तो फिर अगली मुलाकात की तवक्को कब करूं? बहुत जल्दी होगी।